जिस युवक को आज सात फेरे लेकर एक नए दांपत्य जीवन की शुरुआत करना थी, जिसको लेकर कल शाम वह चढ़ने वाला था घोड़ी, ऐसे में अचानक उसके घर चलते वैवाहिक समारोह में पहुंची पुलिस और युवक को हथकड़ियां डालकर दुष्कर्म के मामले में पहुंचा दिया सीधा जेल। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला धार जिले के कुक्षी में हुआ, जहां पर 26 वर्षीय आकाश पिता कालू सिंह नरगेश का कल 26 अप्रैल को बाना निकलने वाला था। उसकी हल्दी मेहंदी की रस्म पूर्ण हो चुकी थी और दूल्हा बनकर ठाट बाट से घोड़ी पर चढ़कर उसका बाना निकलना था। वहीं आज 27 अप्रैल को उसे दाम्पत्य जीवन में बंद कर युवती के साथ सात फेरे भी लेना थे और नई गृहस्थी की शुरुआत करना थी। ऐसे में उक्त 26 वर्षीय युवक पर क्षेत्र की ही एक युवती ने दैहिक शोषण का गंभीर आरोप लगाकर कुक्षी थाने में विगत 5 वर्षों से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके चलते वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान कल रात उसे गिरफ्तार कर लिया और थाने में बंद कर दिया तथा आज गुरुवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। कुक्षी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार मालवी के अनुसार क्षेत्र की एक युवती ने युवक आकाश पर विगत 5-6 वर्षों से झांसा देकर दैहिक शोषण का आरोप लगाया और उसके लगातार दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज कराई। आज जब युवक की शादी होना है, इसके पहले कल युवती ने आकर थाने में उसके खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करा दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है तथा आज न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कल पीड़िता के द्वारा अपने साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आरोपी के द्वारा विगत 5-6 साल से संबंध बनाए गए, जिसने कल अपने साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी आकाश है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसको आज न्यायालय पेश किया जा रहा है।